हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल झारखंड इंडियन ब्लॉग पर। साथियों, आज हम अपना जो जंगल है गांव का वो दिखाने के लिए आया हूं। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड एक कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ये ज़रूर बताएँ। और साथ में पसंद आए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथियों, आज हम आप लोगों को जंगल दिखाते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, हम अभी जंगल पहुंच चुके हैं। और अभी देखिए कितना तेज धूप है, अभी तो ठंड की मौसम भी है। तो चलिए, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए आप लोग, और मेरा गांव का जंगल देखिए। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कोर कटेल कनेरा। अभी हम अपना जंगल की ओर जा रहे हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कितना घना जंगल है। और चलिए, अभी तो फिलहाल हम अभी छोर में ही हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से हमारा जंगल घना है और यहाँ पर जंगली कौन कौन सा जो जानवर है वो पाया जाता है। देखिए ये पूरा जंगल अभी तो इधर सपाट हो गया है कुछ वृक्ष कट जाने के कारण से। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और देखिए चलिए उसको कटेल खाते हैं और आप लोगों को दिखाने का भी प्रयास करते हैं। फाइनली साथियों, देखिए हम कोर के जो है झाड़ी वहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए कितनी मात्रा में कोर भरा हुआ है, बैर जिसको हम लोग कहते हैं अपना लोकल लैंग्वेज में, इसको हम लोग कोर कहते हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं आज पहली बार। स्वाद तो ठीक ठाक है। चलिए यहाँ से हम कुछ बैर निकाल लेते हैं। आप लोग लाइव मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा गांव का जो जंगल है उसको पूरा विजिट कीजिए। मैं दिखाने का प्रयास भी करूँगा उस खट्टे मीठे बैर के साथ। देखिए साथियों, इतना कांटों में कोर लगा हुआ है, इसको हम तोड़ रहे हैं। भाई आप लोगों को खाने का मन कर रहा है, मीठा खट्टे मीठे बैर, तो आप लोग आ सकते हैं। ऐसे तो बेसिकली हम देवघर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। देखिए कांटा हर जगह पकड़ ले रहा है। ये देखिए साथियों, यहाँ पर बैर की कितनी सारी झाड़ियाँ हैं, बट झाड़ियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और इसमें बैर भी बहुत कम लगे हुए हैं। साथ में ये देखिए साथियों, इसको हम लोग कनौदा कहते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसमें पौष्टिक यानी कि पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, आयरन की मात्रा इसमें। यानी कि यदि पेशेंट को सही मात्रा में यदि इसकी खुराक दी जाए तो उसके अंदर जो ब्लड की कमी होता है, ये देखिए इसकी साइज है छोटे छोटे, तो ब्लड की कमी को ये धीरे धीरे दूर कर सकता है। ये देखिए झाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा है बट बैर कम है। इसका मुख्य रीज़न क्या है? मुख्य रीज़न ये है साथियों, क्योंकि जंगल में अधिकतर लोग लकड़ियाँ लेने के लिए आते हैं, मवेशियाँ चराने आते हैं, और उस क्रम में वो तोड़ लेते हैं। देखिए खाने की चीज़ है तो वो ऑटोमेटिक है, तोड़ के खा जाते हैं। जैसे अभी हम जस्ट आए हैं, बस मेरे जैसा और भी लोग जंगल में आते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ी एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पका हुआ है, ये गिर गया। कुछ पैर खट्टे भी होते हैं, कुछ मीठे, कुछ पके हुए हैं, कुछ कच्चे हैं। कुछ तो कच्चे ही अच्छा लगते हैं खाने, और कुछ पका होने के बावजूद भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए
यहाँ पर एकदम पका पका हुआ बैर है, उसको अभी हम तोड़ रहे हैं। ये देखिए साथियों, एक और आपको अच्छी चीज हम दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए कटेल है साथियों, ये भी खाने में खट्टी मीठी दोनों तरह का इसका स्वाद है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। ये सब पूरी तरह से औषधि युक्त होता है, जिस प्रकार से हम लोग दवाई लेते हैं उस प्रकार से अगर हम लोग जंगल का फल मूल के दिखाते हैं तो उससे हम लोगों का क्या होगा, जो भी प्रकार की है। ये देखिए इसकी साइज भी सेम वही कनौत जैसा होता है, ये देखिए यहाँ भी फला हुआ है। जस्ट लाइक इसको हम लोग एक औषधि के तौर पर यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, बट कांटा ही बहुत है साथियों यहाँ पे। ये देखिए साथियों, एक कनौत का पेड़ यहाँ भी है, देखिए हम इसको तोड़ रहे हैं और खा भी रहे हैं। आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि केवल आप लोग देख ही सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। अगर यदि आप लोग गांव में रहते हैं और वहां पर अगर यदि इस तरह का जंगली फल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन से गांव से बिलोंग कर रहे हैं। ये देखिए कितनी मात्रा में तोड़ के इकट्ठा कर ली और खा रहे हैं। चलिए आज का ब्लॉग साथियों, ये हमारा जंगल है गांव का पूरा जैसे देख पा रहे हैं आप, जिधर देखिएगा हर जगह पेड़ ही पेड़ नज़र आएगा। ये देखिए अगर यदि आप लोग हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें ताकि वो लोग भी गांव की जो संस्कृति है कल्चर है उसको जान सके देख सके। चलिए साथियों आज इतने पे हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।